क्लास तक हमने कंप्लीट कर लिया था आपका कार्बोहाइड्रेट्स पूरा, मतलब हम प्रोटीन्स कर चुके हैं, प्रोटीन्स कंप्लीट कर चुके हैं, देन कार्बोहाइड्रेट्स भी कर चुके हैं। अब आपका लिपिड्स बचता है एंड देन न्यूक्लिक एसिड, उसके बाद एंजाइम्स, ठीक है। तो अब अगर लिपिड्स पे आते हैं तो लिपिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं और या फिर पुअरली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है। सॉल्युबल इन ईथर यानी कि ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट में ही होंगे, क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक क्लोरोफॉर्म में हो सकते हैं, बेंजीन में हो सकते हैं। हाइड्रोफोबिक नेचर होता है क्योंकि इनमें हाइड्रोफोबिक चेन प्रेजेंट होती है, एक पॉलीमर नहीं है। मैं हमेशा ये क्वेश्चन पूछती हूँ बच्चों से, लिपिड कभी भी एक पॉलीमर नहीं होता है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। और इसका काम क्या है, स्टोरेज फॉर्म है ये मेटाबॉलिक फ्यूल का। जैसे फैट होता है, आप रनिंग क्यों करते हो, ताकि फैट जो है आपका मेल्ट हो सके, डिजॉल्व हो सके, मतलब वन ऑफ द रीज़न कुड बी। तो उस केस में यही जो फैट है या फिर लिपिड्स हैं, ये मेटाबॉलिक फ्यूल को स्टोर करके रखते हैं। जो रोल है इनका स्ट्रक्चरल है मेम्ब्रेन में, क्योंकि मेम्ब्रेन में जो आपकी मेम्ब्रेन की जो मेन प्रोटीन के साथ दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है वो लिपिड ही है, तो स्ट्रक्चरल रोल हो गया। उसके बाद प्रोटेक्टिव रोल है, बैक्टीरिया हो गया, इंसेक्ट हो गया, इनमें इनका प्रोटेक्टिव रोल है। अब आते हैं क्या क्या टाइप होते हैं इसके, ठीक है। अब टाइप देख लो, अब आपको इसका हर टाइप पता होना चाहिए। अब बात करते हैं फैट्स में, तो फैट जो है वो सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। अब सैचुरेटेड है तो ठीक है, लेकिन अगर अनसैचुरेटेड है तो उसके पास डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। अब ये डबल बॉन्ड सिंगल प्लेस पे भी हो सकते हैं और ये मल्टीपल प्लेस पे भी हो सकता है। अगर सिंगल प्लेस पे है तो वो मोनो अनसैचुरेटेड है, अगर मल्टीपल प्लेस पे है तो वो पॉली अनसैचुरेटेड है। अब इसमें आ सकता है तुम्हारा TAG जो कि ट्राइसाइल्ग्लिसरॉल होता है, इसको आप बहुत बार सुनते हो, क्योंकि आप जब इमल्सिफाई करते हो, जब छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट में बनाते हो तो TAG बनता है। वैक्स हो सकता है, फॉस्फोलिपिड्स हो सकते हैं जिसमें कि जो कि मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, स्पिंगो फॉस्फोलिपिड हो सकते हैं, ग्लीसरो फॉस्फोलिपिड्स हो सकते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हो सकते हैं, स्टेरॉइड्स हो सकते हैं। तो ये सब आपके क्या हैं, लिपिड्स हैं। सो बेसिकली आपका फैटी एसिड्स क्या होते हैं, तो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन होती है जिसमें 4 से 36 कार्बन एटम प्लस विद COH ग्रुप एट वन एंड, ठीक है। या तो 16, 18 के फैटी एसिड भी हो सकते हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा कॉमन भी है। यानी ये 4 to 36 कार्बन एटम होते हैं उसमें, और 16 से 18 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड जो है वो मोस्ट कॉमन है। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ऐसे पूरा आपके पास हाइड्रोकार्बन की चेन होती है और एक एंड पे COH ग्रुप होता है, उसके जस्ट बगल में जो है वो अल्फा है, दूसरा बीटा है, ठीक है। ये हो गया हाइड्रोकार्बन के आपके पास चेन। अब वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सैचुरेटेड में डबल बॉन्ड नहीं है। ये जो है वो लॉरिक एसिड, मेरिस्टिक एसिड, पामिटिक एसिड, इन सब में सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, कोई डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट। डबल बॉन्ड से ज़्यादा की तो क्या ही बात करें, सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब अगर हम अनसैचुरेटेड की बात करें, यानी कि डबल बॉन्ड हो सकते हैं प्लस वन टू मेनी हो सकते हैं, तो आपके पास आता है पालमिटोलिक एसिड जिसमें कि C16 है, डबल बॉन्ड एक है और सिस डबल बॉन्ड है, यानी कि सेम साइड पे है, और वो किस पे है, डेल्टा 8 पे, यानी कि 8th कार्बन एटम पे। सिमिलरली ओलिक एसिड है, C18 है, इसमें डबल बॉन्ड एक है और सिर्फ डेल्टा 9 पे है। लिनोलिक एसिड जो है उसमें C18 है टोटल, और जो आपका डेल्टा है यानी कि जो डबल बॉन्ड है वो 2 प्रेजेंट है, और सारे सिस हैं 9 और 12 पे। लिनोलिनिक एसिड जो है उसमें कार्बन अगेन 18 है, डबल बॉन्ड 3 है और 9, 12 और 15 पे है। राकेडोनिक पे डबल बॉन्ड 4 है, कार्बन 20 है और सारे सिस हैं 5, 8, 11 और 5, 8, 11, 14 पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये आपको, हाँ ये आपको एक बार देख के याद रखना पड़ेगा, लिनोलिक, लिनोलेनिक और ओलिक, लिनोलिक, लिनोलेनिक, ये पता होने चाहिए आपको। एराकिडोनिक भी पता होना चाहिए। फैटी एसिड का जनरल फॉर्मूला बात करें तो CH3CH2 का N, COH ज़रूरत नहीं है। इसेंशियल फैटी एसिड वो होते हैं जो डाइट से लेने पड़ते लेकिन हमें नहीं मिलते, यानी कि हमारी बॉडी में नहीं बनते और हमें डाइट से एक्सटर्नली कंज्यूम करने पड़ेंगे। मैमल सिंथेसाइज नहीं करते क्योंकि उनमें वो एंजाइम ही नहीं होता जो कि डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करता है आफ्टर डेल्टा 9 बॉन्ड। तो क्या क्या हो गए इसेंशियल में, लिनोलिक, लिनोलेनिक और एराकिडोनिक। लिनोलिक में 9 और 12 पे डबल बॉन्ड, लिनोलेनिक में 9, 12, 15 पे डबल बॉन्ड और 5, 8, 11, 14 पे एराकिडोनिक पे डबल बॉन्ड, ठीक है। और एंजाइम आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज डबल बॉन्ड बियॉन्ड 9th कार्बन एटम, यही रीज़न है एसेंशियल हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। अब लिनोलिएट एंड लिनोलिनेट, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं फैटी एसिड की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे CSIR के लिए क्वेश्चन हो या फिर कोई भी अप्लाइड क्वेश्चन बनाना हो। तो अब अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है यानी कि जिस पे आपका फैट जो है ना एक तरीके से लिक्विड लिक्विड हो जाएगा, तो वो मेल्टिंग पॉइंट होता है, डिपेंड करता है चेन लेंथ पे
और डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन पे। तो ना मेल्टिंग पॉइंट ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेन लेंथ के, यानी कि जितना बड़ा आपका लिपिड होगा उतना ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट जाएगा, और जितनी उसमें अनसेचुरेशन प्रेजेंट होगी उतना ही कम उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अनसेचुरेशन के। अब अगर आप ए और बी को कंपेयर करो तो चेन लेंथ किसकी ज़्यादा है? सी इसकी, बी वाले की, क्योंकि इसमें कितने प्रेजेंट है? 5 कार्बन 6 कार्बन प्रेजेंट है, ऊपर 5 ही प्रेजेंट है, तो बी का जो है वो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। सिमिलरली आप इसको देखोगे, इसमें ए में कार्बन लेंथ ज़्यादा है, या फिर आप अनसेचुरेशन के पॉइंट व्यू से देखोगे तो बी का ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे ही आप इसको देखो तो इससे सिर्फ एक इन्फ्रेंस निकलती है कि जो ट्रांस होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट सिस से ज़्यादा होता है। तो अगर सेचुरेशन की बात करें, अनसेचुरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो सेचुरेशन ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, अनसेचुरेशन ज़्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट कम, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये सारी आप लगाओगे, अगर डाउट हो तो एक कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डाल देना। अब आते हैं हम ट्राइसाइल ग्लिसरॉल पे, इन्हीं को हम न्यूट्रल लिपिड्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलके बनता है TAG, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। 3 फैटी एसिड्स और एक ग्लिसरॉल से जुड़े हुए। अगर सारे फैटी एसिड सेम है तो इसको बोलेंगे सिंपल टैग, अगर सारे सेम नहीं है तो मिक्स टैग, ठीक है। अब अगर ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड की बात करें तो फैटी एसिड सिमिलर भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। C16 है, पालमिटिक है, यानी कि जो पालमिटिक एसिड होता है। C18 है तो स्टीयरिक एसिड हो गया। मिक्स TAG क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सारे फैटी एसिड इसके केस में सेम नहीं है। TAG क्या होता है? नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक मेजर फॉर्म ऑफ स्टोर्ड लिपिड, ठीक है, मेजर फॉर्म ऑफ स्टोर्ड लिपिड स्टोरेज करता है, और इसको न्यूट्रल लिपिड भी बोलते हैं। और इन पे चार्ज नहीं होता, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल लिपिड। TAG की बात करें तो वो फैट सॉल्यूबल हो सकते हैं, ऑयल सॉल्यूबल हो सकते हैं, फैट या सॉलिड फॉर्म में हो सकते हैं, सॉरी सॉल्यूबल नहीं, फैट या सॉलिड फॉर्म में, या फिर ऑयल या लिक्विड फॉर्म में। फैट और सॉलिड फॉर्म में अगर होंगे तो सैचुरेटेड होते हैं, यानी कि विदाउट डबल बॉन्ड्स, और अगर ऑयल या लिक्विड फॉर्म में होंगे तो अनसेचुरेट होंगे। मोस्टली आप प्लांट्स से ऑयल्स निकालते हो तो प्लांट से अनसेचुरेटेड निकलता है। एनिमल में फैट जमा होता है, स्टोर होता है, सॉलिड फॉर्म में तो उससे सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। अब TAG की बात करें तो हम NaOH और KOH से सेपोनिफिकेशन कर सकते हैं, यानी कि ग्लिसरॉल प्लस फ्री फैटी एसिड में तोड़ सकते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सोप ला सकते हैं। तो सेपोनिफिकेशन नंबर बोलते हैं कि 1 ग्राम TAG को कितने KOH डालेंगे कि वो ग्लिसरॉल प्लस अब फ्री फैटी एसिड में टूट जाए, यानी कि टू ब्रेक डाउन 1 ग्राम ऑफ TAG इंटू ग्लिसरॉल फ्री फैटी एसिड, अमाउंट ऑफ KOH रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एज सेपोनिफिकेशन नंबर। तो मोल ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू सेपोनिफाई 1 ग्राम ऑफ TAG। सिमिलरली अब हम वैक्स पे आते हैं, तो वैक्स वन ऑफ दी लिपिड टाइप है, मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड लॉन्ग चेन अल्कोहल। फैटी एसिड सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है, और अल्कोहल की चेन C14 से C36 तक जा सकती है, ठीक है। एक होता है बी वैक्स, जो मधुमक्खी अपना वैक्स बनाती है, ट्राइकंटन ऑयल पाल्मिटेट। अब इसमें अल्कोहल है ट्राइकंटन ऑयल, और पाल्मिटेट क्या है इसका? फैटी एसिड है। इसी के साथ आपके फैट्स मेरे नोट्स से ख़त्म होता है। फैट्स को आप इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, अगर आपको ज़्यादा ज़्यादा पढ़ना है तो आप पाथफाइंडर एक बार देख लेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चंस लगा लेंगे। क्वेश्चंस क्या है, सेल बायोलॉजी में जितने भी मेम्ब्रेन लिपिड के क्वेश्चन मिलेंगे, या फिर MCQ वाली बुक में जो भी फैट के क्वेश्चन मिलेंगे, वो आपके लगाने से इनफ हो जाएगा, ठीक है। एंड प्लीज़ ये सारे नोट्स आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-4 बार पक्का रिपीट करिएगा, तभी आपके दिमाग में कोई स्टोरी बन पाएगी। एक बार पढ़ के कुछ भी नहीं होगा।